मोजज़ात में फ़र्क इस वजह से है, जिस दौर में जिस नबी को अल्लाह ने भेजा उस दौर के लोग जिस फन से ताल्लुक रखते थे उसी लाइन का अल्लाह ने उस नबी और रसूल को मोजज़ा अता किया। हज़रत ईसा का ज़माना हकीमों और डॉक्टरों का ज़माना है। हकीम और डॉक्टर आज की दुनिया में मेडिकल साइंस जितनी भी तरक्की कर जाए, आज के ज़माने में भी मेडिकल साइंस इस बात से आजिज है कि मरे हुए को ज़िंदा कर दें। हज़रत ईसा का ज़माना तबीबों का ज़माना है। तबीब जितना भी मेराज पर पहुंच जाए माँ के पेट से अंधे पैदा होने वाले को बीना नहीं कर सकता, मरने वाले को ज़िंदा नहीं कर सकता। हज़रत ईसा का ये मोजज़ा जब सामने आया, मट्टी का परिंदा बनाकर फूंक मारे और वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगे, तो उस वक़्त के तबीब और डॉक्टर आजिज आ गए या नहीं आ गए? बोलो, आजिज आ गए या नहीं आ गए? हज़रत मूसा का ज़माना कौन सा है? हज़रत मूसा का ज़माना जादूगरों का ज़माना है। हज़रत मूसा को अल्लाह ने जो मोजज़ात अता किए, फिरौन के सामने जब हज़रत मूसा ने वो मोजज़ा दिखाया, फिरौन ने सबसे पहले क्या कहा? कहा ये जादू है, और कहा इस जादू के मुकाबले में हम भी जादू लेके आएंगे, इस जादू के मुकाबले में हम भी जादू लाएंगे। वक्त तय हो गया, इलाके में जादूगर भी आ गए, हज़रत मूसा भी पहुँचे। जादूगरों ने रस्सियाँ डाली, लाठियाँ डाली, सांपों की तरह हिलने लगी। हज़रत मूसा ने असा डाला, अजदहा बन गया, तमाम के बनाए हुए सांपों को खा गया। तो हज़रत मूसा पर ईमान लाने वाले सबसे पहले तमाशाई थे या जादूगर?